मुंबई से। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र है कुमार। और कहाँ रहते हैं धर्मेंद्र जी? खजुराहो में रहते हैं। इस तरफ आ जाए ना, धूप अच्छा है। हाँ, खजुराहो में रहते हैं। अरे वाह, खजुराहो में रहते हैं। और आप क्या करते, क्या हैं? हम पेंट कुट्टी का काम करते हैं। अच्छा, पेंटिंग का। ओह, बहुत अच्छा। तो अब ब्रिज पे बड़ी देर से खड़े हैं, हमने देखा। क्या करें, किसकी याद में है? याद में नहीं है, घूमने आए थे। अरे वाह, तो क्या चल के आए? नहीं, मोटर बाइक से आए थे। अच्छा, कहाँ है बाइक, कहाँ है? अच्छा, यहाँ जो ये ब्रिज है, इसके उस साइड लगता है छतरपुर जिला। अच्छा, इस ब्रिज की उस साइड पन्ना जिला। ओ ऐसा, ये पता नहीं था। और ये रिवर केन है ना? हाँ, ये केन नदी है। केन नदी कहाँ से शुरू होती है? केन नदी ये शुरू तो बहुत दूर से होती है, पता नहीं है। अच्छा, आगे चल के और बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा, ये चंबल नदी में नहीं जुड़ती है ना? चंबल में नहीं ना? अच्छा, और यहाँ पार्क भी है। अच्छा, घूमने के लिए यहाँ टाइगर आएगा सब। अच्छा, पन्ना पन्ना बस यहीं से उसका गेट है। अच्छा, और तुम्हारा आपका गांव खजुराहो में, कोई गांव का नाम होगा ना? हाँ, खजुराहो मतलब खजुराहो ही में है, वार्ड नंबर 4 में। अच्छा, वार्ड नंबर 4 में। और पेंटिंग का कर रहे, कब से कर रहे हो पेंटिंग का काम? हमें तो 5 साल हो गए कम से कम। 5 साल? और आप रहने के यहाँ पर कि कहीं और से हो? नहीं, वहीं है खजुराहो में, अपना खुद का मकान है। अच्छा अच्छा, तो आप भाषा क्या बोलते हो? हिंदी? हिंदी बोलते हैं। और वो मीन्स क्या, अब यहाँ के लोग खजुराहो के लोग कहाँ के होते हैं? मीन्स भोजपुरी कि वो है, कैसे है? बुंदेलखंडी। बुंदेलखंड में आता खजुराहो। अरे वाह, यहाँ फिल्म फेस्टिवल भी होता है। अच्छा, मुंबई से लोग आते हैं, आए थे चक्की पांडे आए थे। अरे वाह, और गोविंदा भी आके चले गए, शक्ति कपूर, राजपाल यादव। अच्छा, बहुत सारे हीरोइन। अपने अतीत का नाम सुना? अतीत श्रॉफ सुना तो है। ये खड़े हैं ये भी हम दोनों बाइक से आ रहे हैं, इंडिया टूर कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया टूर पूरा अभी हमने शुरू किया, महाराष्ट्र गुजरात, वो मैप दिख रहा है वहाँ पर। हाँ, यहाँ से बीए पूरा करना है। अब ये जाएंगे तो पूरा 16 स्टेट और करीब करीब 10,000 किलोमीटर हो ही जाएंगे। सो आप जैसे लोग से, दोस्तों से भेंट होती है तो अच्छा लगता है, रास्ते पे है ना, मालूम भी पड़ता है जगह के बारे में। और कुछ ये जगह की आप मुझे ऐसी चीज़ बताइए जो हमको पता नहीं होगी, कुछ खासियत यहाँ की। हाँ, कुछ ऐसे कुछ कोई कहानी ये नदी के बारे में या पन्ना के बारे में, कुछ भी एक कहानी ना, तो अपनी कोई एक कहानी। खजुराहो तो जैसे वैसे आपने लोगों सब लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वो 2.5 दिन में वहाँ के मंदिर बनाए गए थे चंदेल राजाओं द्वारा, पूरी जितने ही मंदिर है वहाँ पर, 84 मंदिर, 84 तालाब और 84 बहरें थी वहाँ पर। लेकिन अब उतने बचे नहीं है क्योंकि वो अंग्रेजों द्वारा खंडित हो गए हैं। अच्छा, और फिर पानी भी अब इतना कम गया, अभी तालाब बचे ज़्यादा। वैसे यहाँ पर बांध आंध भी बहुत है जितने, मतलब छतरपुर ज़िले में, पन्ना ज़िले में बहुत बांध है। ये हमारा जो ये वीडियो आपका ना, हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, जो जो जगह पे जाते हैं ना हम, वो जगह के लोगों की कहानियाँ हम खोज रहे हैं और उनको हम इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पर हैं? हाँ। तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर, आप लॉग इन करेंगे तो अभी कुछ देर के बाद मैं उसको डाल भी दूंगा। हाँ। आपका नाम फिर से एक बार? धर्मेंद्र रेखवार। धर्मेंद्र रेखवार। एक मिनट, इसकी डेट निकल गई है इस पुल की, ब्रिज की। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये कुछ अच्छी स्टोरी बताई ना आपने। ये अभी नहीं, ये बहुत साल पहले निकल चुकी है, डेट एक्सपायरी डेट हो गया है। एक्सपायरी डेट हो गया। अच्छा, ये पुल चले थोड़ा फटाफट भाग। और यहाँ पन्ना जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, इसी रास्ते से जा सकते हैं। अच्छा, बाकी और कोई रास्ता भी नहीं, अगर ये गिर गया तो पता नहीं यानी कितने दिन में चालू होगा ये। तो कभी भी इसकी एक्सपायरी, ये तो मुझे पता नहीं, अगर बहुत पहले निकल चुकी है इसकी स्पाइड है। अच्छा, ये अगर आप अपन खड़े हैं यहाँ पर, अगर कोई ट्रक निकल जाए, बस मिल जाए तो पूरा हिलने लगता है। हाँ, तो देख रहे हैं हम, हिल रहा है कब से। वो तो हिलेगा तो ही टिकेगा, ऐसा है, हिलना बंद नहीं, पहले नहीं टूट जाएगा, पहले नहीं हिलता था वो। नहीं नहीं, कोई भी ब्रिज नहीं हिलेगा तो टूट जाएगा। नहीं तो पहले नहीं हिलता था, अब हिलने लगा कुछ सालों से। तो ये बहुत अच्छा एक स्टोरी बताई उनने कि ये ब्रिज की एक्सपायरी डेट हो गई है। और आप शादीशुदा हैं कि अभी ढूंढ रहे हैं आप? अच्छा, बढ़िया। तो आपके सब परिवार काम वहाँ पे खजुराहो में ही, साथ में आपके सब लोग खजुराहो में रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसी एक बात बताओ ना जो मज़ा आ जाए जाते समय, सो हम वही दिमाग में रहे हमारा, यहाँ पे शेर वेर का कुछ ऐसी कहानी है छोटी सी, जल्दी से। तो वो कहानी तो मुझे आती नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा हुआ मिलके आपसे। आप हमारे इंस्टा आईडी, आपका फ़ोन है अभी? हाँ। तो ऐड कर लीजिए ना, है ना। और मेरा नाम प्रतीक, इनका नाम अतीत, आपको दिख जाएगा, जैसे ऐड करेंगे सारा स्टोरी आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और कभी बॉम्बे आएंगे तो मुझे मैसेज करना इसके ऊपर। सर, हम नहीं आ सकते मुंबई।
क्यों नहीं आ सकते? हम जब यहाँ आ सकते हैं आप भी आ सकते हैं। तो पेंटिंग का पैसा चाहिए होता है उसके लिए, घूमने के लिए। नहीं घूमने के लिए आप तो काम, पेंटिंग का काम तो सबसे ज्यादा है। पैसा ज्यादा नहीं मिलता ना। अच्छा यहाँ ज्यादा 400 रुपए 500 रुपए, वो भी लोग यहाँ के ऐसे होते हैं काम करवा लेते हैं, पैसे पता देते नहीं, नहीं, नहीं इसलिए बॉम्बे में तो बहुत काम है पेंटिंग, बहुत अच्छा। वहाँ पर आने के लिए बहुत किराया आया हुई, बहुत पैसा ऐसा भी तो चाहिए हम लोगों के लिए। हम लोग इतने बड़े आदमी तो है नहीं कि हम लोग घूमे, हम लोग वहाँ पे पास ही घूमते रहते हैं खाली। नहीं वहाँ पे बड़े आदमी और छोटे आदमी सबके लिए जगह है। नहीं सर वो तो हम मानते हैं जगह, लेकिन उसके लिए फिर भी पैसा चाहिए होता है। तो हम इसलिए तो आ रहे हैं कि आपकी जो कहानी है हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे। यहाँ के जो लोग हैं बहुत गरीब लोग हैं। हाँ इतने ज़्यादा बड़े लोग नहीं, बड़े हैं तो फिर मतलब वो ज़्यादा ही बड़े हैं तो उन यहाँ लोग ज़्यादातर गरीब लोग हैं। हाँ तो वो लोग इतना नहीं जा सकते दूर। हाँ हाँ ज़्यादा दिल्ली चले जाते, जम्मू चले जाते, वहीं 500-600 रुपये मिलते वहाँ पर, यहाँ 400 रुपये मिलते। पढ़ वहीं आता है 4-5 दिन का बोल रहे हैं। हाँ 4-5 हज़ार का वहाँ कमरा मिलता है जैसे दिल्ली जाओ तो। अच्छा तो वो वहीं यहीं बचा ही नहीं पाता कोई इतना पैसा। अच्छा नहीं इसलिए तो हम हैं कि हम जैसे जो जा रहे हैं हर आपके जो कहानी है हम हमारे चैनल में डालेंगे, लाखों लोग देखते हैं उसको, बहुत लोगों को ज़रूरत भी पड़ती है उसकी, कोई पेंटर की ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे कोई मिस्त्री होता है वहाँ पर तो उसको काम करने वाला पेंटर चाहिए होते हैं, तो आप जैसे लोग को हम हमारे इंस्टाग्राम पे डालते हैं। और हमारे यहाँ मतलब कुछ हमारे पापा हैं वो कम से कम 20 साल से काम करते पेंट का। अच्छा है? फिर भी नहीं पैसे बचा पाता, कोई नहीं बचा पाता। अच्छा वो यहाँ के मतलब एक नंबर के पेंटर हैं यहाँ खजुराहो के। पापा और हमारे एक दोनों दो लोग रहते हैं, वो 20 साल से दोस्त भी है और पार्टनर भी हैं, दोनों लोग पेंट का काम करते हैं, वो पॉलिश वॉलिश पेंट एंड सब कुछ करते हैं। अच्छा फिर भी लेकिन यहाँ वो मजदूरी नहीं मिलती, वो पैसा नहीं मिलता यहाँ पर। नहीं जब तक आप धर्मेंद्र जी सोचेंगे नहीं ना तो हम पहुँचेंगे नहीं। वो तो है, एटलीस्ट सोचना तो है कि जाना है, और ये एक जरिया है इंटरनेट जो आपका है ना, कहीं से कहीं पहुँचा सकता है, मगर सोचने की ज़रूरत है एक बार। अभी वो आ तो रहे हैं मोदी जी और 20 देश के और वो आ रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ खजुराहो में आ रहे हैं। अच्छा कब आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 23 फरवरी। अच्छा 23 फरवरी का। चलो अच्छा है, आप हमें ऐड कीजिएगा, हम जो स्कैन कर सकते हैं वहाँ पर स्कैन है। अच्छा और पता है कैसे स्कैन करना है? सर आप ही कर दीजिए। हाँ अतीत तो एक बार स्कैन करके आप फॉलो कीजिए, आप मुझे मैसेज भी कीजिए है ना, शायद कुछ बन जाए। क्या भरोसा, किस्मत कैसे कैसे लेके आती है, क्या भरोसा है ना। वो तो है किस्मत कैसे क्या लेकर आती है, लेकिन हम लोगों के लिए सब सपना ही रहता है सब। हमारे लिए भी सपना ही है पर सब लोग करते नहीं, तो सपना ही था वो तो। तो सपना को सच करने में ताकत हम पे है। हर किसी की किस्मत नहीं होती ऐसी। नहीं नहीं किस्मत बनानी होती है, करेक्ट। लोग कोशिश तो हमने भी ऐसे कोशिश करता है बनाने की। हाँ हमने भी ऐसे शुरू किया धर्मेंद्र, हमने भी ऐसे शुरू किया, पर सपना देखना ज़रूरी है फिर उसको पूरा करना है, कुछ भी हो सकता है। सपने तो हमने बहुत देखे हैं लेकिन सपने होते नहीं है ना पूरे। सब सपने नहीं होंगे, कुछ तो हो जाएंगे। नहीं पहले अगर जैसे अपन शुरू में सपने देखे, अगर एक सपना अपना सही हो जाता तो उसमें फिर देखने में मजा आता, जब एक कोई सपना नहीं होता तो फिर क्या सपने देखे। देखो हर काम को शौक से और इंजॉय करके कीजिए, अपने आप अपने आप अपने आप राह मिल जाती है। हमने बहुत इंजॉय किया है और बहुत सपने भी देखे लेकिन सब सपने टूट गए। अच्छा शायद ठीक है, हम अभी डालेंगे आपके बारे में इंस्टाग्राम में, शायद एक सपना भी शायद पूरा हो सकता है ना। शायद नहीं होगा, आप नहीं हो सकता कोई। आप 10 बार नहीं बोलेंगे तो पक्का नहीं होगा, हर 10 बार हाँ तो बोल के देखिए शायद हो जाए। पहले हम भी बहुत बोलते थे सब हो जाएगा सही होएगा। अरे मगर बोलने में क्या है, कुछ थोड़ी हमारा जा रहा है पेट्रोल खर्चा, और बोलने में क्या है, जब 10 बार हाँ बोलेंगे ना तो सही कभी कभी हाँ हो सकता है। ठीक है हम आपसे फिर मिलेंगे ज़रूर जिंदगी में अगर मिला। कहानी तो सर बहुत बड़ी है सर। हाँ हमने हमारी लव स्टोरी है वो बहुत बड़ी थी, लेकिन 5 साल तक चली, लेकिन हम लोग शादी नहीं, बहुत मनाया सबको अपने घर पर भी मनाया, उस लड़की ने भी मनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा तो कि दूसरी से शादी हो गई फिर? फिर हमारी दूसरी से शादी हो गई, उसकी भी दूसरी से शादी हुई, हमने शादी उसको बिना बताए कर ली क्योंकि वो कर नहीं सकती थी हमसे। अच्छा इसलिए हमने कर ली। तो जिससे आप प्यार करते थे उनका नाम क्या था, वो इंस्टाग्राम पे है? उसका नाम नहीं बता सकते सर, उसका नाम लेंगे तो बदनाम होगी। अच्छा अच्छा वो भी इंस्टाग्राम पे है क्या? हाँ वो भी इंस्टाग्राम। अच्छा इसलिए है। नहीं ठीक है, तो 5 दिन पहले मेरी शादी हुई, 5 दिन बाद उसकी शादी हुई। ओहो तुम्हारा अभी भी मिलते हो आप लोग? नहीं तो वो देखती भी नहीं है, वो बोलती है कि तुमने हमको बताया नहीं है। अच्छा अच्छा शादी कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, पर दोनों की शादी अभी हो गई है तो अभी दूसरे रास्ते निकलो। वो तो है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि मतलब सपने तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन नहीं। वो गाना है ना कौन सा है, पर सपने होते हैं, सपना नहीं होता है ना, एक सपना
नहीं हुआ ठीक है दूसरा देखो नेक्स्ट। एक नहीं है, एक ही सपने में तो कितने सपने थे। वो एक गाना है ना, राह में उनसे मुलाकात हो गई जिससे डरते थे वही बात हो गई। आपको मुसीबत हो जाएगी ठीक है, मगर उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लड़की के लिए हो सकता है उसके पता चल जाएगा। वो तो इंस्टाग्राम पे है तो उसका तो ऐसे हम आपको फॉलो करेंगे तो उसको तो वो तो देख ही लेगी है ना। तो हम चाहते हैं कि आपकी कोई तो कोई एक ड्रीम पूरी हो, ऑल द बेस्ट है ना। मेरी ड्रीम है कि मैं भी कम से कम ज़्यादा नहीं 40 साल तक कम से कम 1 करोड़ रुपए कमाऊं, लेकिन नहीं हो पाएगा। अरे हमने भी नहीं कमा अभी तक, 50 साल के हो गए। अरे सर आप तो देखने में लग रहा है आप पास तो जाने कई करोड़ रुपए होंगे। नहीं नहीं अरे हाँ हमारे पास हम क्या लग ये मोपेड लेके क्यों निकले हैं है ना। एक करोड़ रुपए तो हम थोड़ी यहाँ होते। नहीं सर ऐसा नहीं होता, हमारा सपना था कि सब पूरा देश देखना है तो निकल पड़े अच्छा घूमने के लिए। हाँ बढ़िया रहता है। पैसों में खुशियों को झाको ना है ना, खुशी और पैसा बहुत अलग चीज़ होती है। आजकल सर पैसा ही है, पैसा हो तो सब। सिर्फ आप भी आजकल में रह रहे हैं, हम भी आजकल में रह रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस, हमारे पास भी नहीं है पैसा लेकिन हम खुश तो रह रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वो बात तो सर हम लोग भी तो खुश रहते हैं, लेकिन सर ये है ना कि आजकल पैसा जिसके पास है ना तो सब, आजकल पैसा अगर हमारे पास हो तो हमारे पास दोस्त भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, कल के हमारे पास कुछ नहीं रहेगा ना तो कोई नहीं पूछता। तो ऐसा थोड़ी होता है, अभी ये दोस्त है अभी मेरा तो पैसे के लिए थोड़ी आया हमारे साथ। तो सर वो बहुत कम दोस्त होते हैं ऐसे। तो कम दोस्त रखो ना, कम और अच्छे दोस्त, माला उसकी बनती है दोस्त। नहीं सर वो मन के होते हैं ना आपके। और पैसे का क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि पैसे आ जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, वो कितने पैसे ऐसे लगते हैं 1 करोड़ आएगा सब सही हो जाएगा, 1 करोड़ मिल जाएंगे तो ऐसा लगे अरे यार इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है मामला। मेरे फादर तो ना ऐसे बोलते हैं, बंद मुट्ठी लाख बराबर, खुला कुछ नहीं। नहीं सर लेकिन क्या ना ये दुनिया बहुत आगे तक निकल गई सर, बहुत। आपने कितनी दुनिया देखी बताया, आप यहाँ से किधर कहाँ कहाँ गए मुझे बताइए। मैं तो सर कहीं नहीं गया। तो फिर कहाँ दुनिया देखी आपने? तो दुनिया ही देख लिया, खजुरा बदल गया हम मानते हैं, बदल गया हर जगह, हर चीज बदल गई सर। थोड़ा बाहर दुनिया देखो तो पता लगेगा हम कहाँ पर हैं है ना। बाहर तो सर नहीं गए सर अभी तक, शायद इस जरिए से आप जाओगे है ना। हमारी आशा कि आप जाएं, ऑल द बेस्ट, हम फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू धर्मेंद्र। दुनिया बहुत अच्छी है आपके, और सपने देखो और सपने पूरे होंगे सही में। ऐसा इतना ये मत रखो कि हो गया मेरा शादी नहीं हुआ उससे दुनिया खत्म। चलिए मिलते हैं, बाय।